सारी दुनिया से प्यारी माता रानी लागे, शेरा वाली लागे, मैनू मिठा बाण गंगा जी दा पानी लागे। जय माता दी। माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो में आप सब माता रानी की यात्रा से संबंधित कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जैसे इस समय माता रानी के दरबार में किस प्रकार से मौसम हालात बने हुए हैं, माँ भगवती के भवन पर नए यक्षशाला बनाए गए हैं जिसमें माता रानी की नई मूर्ति की स्थापना की गई है, कैसे आप वहाँ पर हवन पूजन करा सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेनों से रिलेटेड क्या बड़ी अपडेट है, किस प्रकार से काफ़ी ट्रेनें आगे कैंसिल होने वाली हैं, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानने के साथ साथ आप सब माता रानी की यात्रा से नए दर्शन भी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले जो नज़ारा आप सबके स्क्रीन पर मौजूद होगा वो माता रानी के पवित्र पवन यात्रा मार्ग का नज़ारा है। इसी यात्रा मार्ग से हम माँ भगवती के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। लगातार श्रद्धालुओं का जयकारा इस यात्रा मार्ग पर गूंजता रहता है और उसी धुन से हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है और हम माता रानी का नाम लेते लेते आगे बढ़ते रहते हैं। आप भी देख सकते हैं श्रद्धालुओं किस प्रकार से रौनक चहल पहल यात्रा मार्ग पर हमें देखने को मिल रही है। अब माता रानी का नाम लेते लेते हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा पर, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर निःशुल्क मुंडन एक शॉप बनाया गया है जिसमें आप जाके फ्री में बच्चों का अपने मुंडन करा सकते हैं। तो यहाँ पर पहुंचकर आप मुंडन जो है बच्चों के लिए आराम से करा लीजिएगा। वहीं आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी प्रांगण पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का नज़ारा इस समय यहाँ से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको ना दर्शन करने का ऑप्शन मिल रहा है नया, इसमें कि आप माता रानी के गर्जुन गुफा से दर्शन कर सकते हैं ज़्यादा लंबे इंतज़ार के बिना और साथ ही साथ ज़्यादा लंबी कतारों के बिना। इसके लिए आपको एक आरती की पर्ची बुक करनी है जिसका डोनेशन अमाउंट 300 रुपये, और डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है कि कैसे आपको बुकिंग करना है, कैसे कहां पर रिपोर्ट करना है, कैसे आप आरती में शामिल होकर माँ भगवती के पवित्र पावन गर्जुन गुफा से दर्शन करेंगे। तो जाकर वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ आई बटन में मिल जाएगा। अब माता रानी का नाम लेते हुए हिमकोठी मार्ग से हम माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और देखिए किस प्रकार का नज़ारा हिमकोठी मार्ग पर देखने को मिल रहा है। यहीं पर हम आपसे मौसम की जानकारी शेयर कर देते हैं। पहले आपने देखा कि किस प्रकार का मौसम था जो है अर्धकुंवारी के पहले, और जस्ट अर्धकुंवारी के बाद हिमकोठी मार्ग पर कुछ इस तरह का पूरा धुंध छा गया मार्ग में। तो ऐसे में देखिए मौसम ना ऐसे ही बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है कि अगर बारिश आज नहीं गूगल पे दिख रहा है या बारिश ऐसा है कि नहीं होगी तो बारिश भवन पे ना हो। बारिश भी हो सकती है, धूप भी आ सकते हैं, बादल भी आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूँ कि देखिए कोई भी आपको ना मौसम की एक एग्जैक्ट जानकारी आपके डेट पर नहीं बता सकता। मैं भी गया था, मुझे भी ऐसा समझ में आ रहा था कि माता रानी के भवन पर बारिश नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पर हमें धूप भी देखने को मिला, बादल भी देखने को मिला, बारिश भी देखने को मिला। इसीलिए अपने साथ गर्म कपड़ा एक नॉर्मल सा रख लीजिएगा, अपने साथ रेनकोट रख लीजिएगा, अम्ब्रेला रख लीजिएगा, ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और देखिए ऐसा नहीं है कि आप भवन पर जाएंगे तो आपको रात में ठंड लगेगा ही नहीं। मैं गया था, मुझे ठंड लग रहा था। सबके बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग बॉडी एडजस्ट करती है चीज़ों को, इन्वायरमेंट को। तो इसीलिए आप जो है अपने साथ एक नॉर्मल सा गर्म कपड़ा भी रख लीजिएगा। अब देखिए माता रानी के भवन पहुंच चुके हैं। माँ भगवती के भवन के सुंदर अलौकिक दीदार दर्शन आप सभी श्रद्धालु घर बैठे कर रहे होंगे। रात के समय का ये नज़ारा है जहाँ पर आप देखिए कि माता रानी का भवन कितना ज़्यादा प्यारा और मनमोहक जो है देखने को मिल रहा है। बात करते हैं सबसे पहले यक्षशाला की। आपको बता दें कि माँ भगवती जी के भवन पर एक नया यक्षशाला का निर्माण किया गया जिसमें माता रानी की नई मूर्ति भी स्थापित की गई है, और लगभग उसमें 10 के पूरे ग्रुप के श्रद्धालु जो है एक साथ हवन पूजन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको माँ वैष्णो देवी जी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, हवन पूजन सेक्शन में जाएंगे, और दो प्रकार के यहाँ पर आपको हवन पूजन का ऑप्शन मिलता है। एक ऐसा होता है कि आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आप अपने नाम से अपने गोत्र से पूरा डिटेल फिल करके हवन पूजन करा सकते हैं, जिसका अमाउंट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये डोनेशन अमाउंट आपको पे करना होगा, और उससे क्या होगा कि जो है वो आपके वहाँ प्रेजेंट होने के बावजूद भी आपका नाम से यज्ञ हवन पूजन में हो जाएगा और फिर आपके घर पर प्रसाद डिलीवर्ड हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन होता है जहाँ पर आप वहाँ प्रेजेंट रहेंगे तब आपका जो है हवन
पूजन होगा, तो इसकी इस तरह से बुकिंग होगी। जो नया यक्षशाला खुला है जहाँ पर हवन पूजन हो रहा है, वहाँ पर आप जाकर ना इस तरह से जो है हवन पूजन करा सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट रहना चाहते हैं तो आप ये वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप विदाउट प्रेजेंट होकर हवन पूजन कराना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से इसकी बुकिंग होती है, ठीक है। तो ये संपूर्ण जानकारी ऑलमोस्ट हमने आपसे शेयर कर दी है कि कुछ इस तरह का जो है वो हवन पूजन होता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेनों की जानकारी। देखिए, मैंने पहले ही वीडियो बनाकर आपको ये बता दिया था कि जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक तक काफ़ी ऐसी ट्रेनें हैं जिनका रूट डाइवर्ट किया जाएगा, जिन्हें कैंसिल किया जाएगा और जिन्हें थोड़ा सा समय रोक के चलाया जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लखनऊ और साथ ही साथ शाहजहाँपुर के डिवीज़न में ना इंटरलॉकिंग का काम होने वाला है, इसलिए इस तरह का बड़ा डिसीजन लिया गया। और मैंने आपको लिस्ट भी शेयर किया था कि उसमें काफ़ी ऐसी ट्रेनें हैं, तो अगर आपको लिस्ट चाहिए देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके DM कर दीजिएगा, आपको ट्रेन का जो लिस्ट है वो शेयर कर देंगे। क्योंकि एक एक करके सभी ट्रेनों के बारे में एक वीडियो में जानकारी शेयर करना ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में आपके पास जब ट्रेन लिस्ट पहुंच जाएगा तो अपनी ट्रेनों को आप चेक कर लेंगे, या फिर आप रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पे कॉल करके PNR बता लीजिएगा या फिर ट्रेन नंबर बता के जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब माता रानी के दरबार से संबंधित कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे मैंने आपको पहले भी लाइव में शायद ये जानकारी शेयर किया था कि देखिए एक्चुअली माता रानी के हिमकोटी मार्ग पर ना एक घटना हुई थी, और उस घटने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था ये किसी को नहीं पता था। उस घटने का रीज़न ये था कि जो के साथ ये घटना हुई थी, मतलब जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी थी, वो हिमकोटी मार्ग पर वहाँ खड़े होकर फोटो क्लिक करा रहे थे जहाँ पर कि ऐसा लिखा हुआ है कि पत्थर सरकने की संभावना है। तो ऐसे जगह पर ना बिल्कुल नहीं रुकिए, वहाँ पर कोई भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ना करिए जहाँ पर आपको लगता है और लिखा है कि पत्थर गिरने की संभावना है, तो वैसे वहाँ से जल्दी से निकल जाइए। ऐसे ही घटना उनके साथ हुई। इसी चीज़ को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने जगह जगह पर बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन कर दी है। उनका ये कहना है कि कहीं भी ऐसे जगह पर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ना करें, और साथ ही साथ माता रानी के मनोकामना भवन का जो भोजनालय है उसके पीछे जैसे आप जाते थे तो आपको माता रानी के भवन के दर्शन होते थे, उस एरिया को भी वो पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु वहाँ से नीचे ना जाए या वहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ कैप्चर्स ना कर पाए, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी घटनाएँ होती थी। तो ऐसे में बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। अब बात करते हैं माँ भगवती जी के दर्शनों की, जिसके लिए आप बहुत दूर से आते हैं और माता रानी के दर्शन अच्छे से प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, फिलहाल तो माता रानी के दरबार में श्रद्धालु आराम से जाकर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर परफेक्ट समय की बात की जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं कई बार लोगों को बताता हूँ, लोगों तक जानकारी नहीं पहुँच पाती है और लोग आरती शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद जाके लाइनों में लगते हैं और उनको लगभग लगभग 2 से 3 घंटों का सामना करना पड़ता है लाइन में, और अच्छे से दर्शन भी नहीं होता है। तो आपको इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है कि सुबह और शाम में दोनों समय में आरती शुरू होने से पहले और आरती खत्म होने के बाद लाइनों में नहीं लगना है। लगभग आप समय बना लीजिए 12:00 PM और 12:00 PM। अगर आप इन दोनों के बाद जाते हैं, लाइक 12:00 PM के बाद और 12:00 PM के बाद जाते हैं, तो आपको दर्शन तो बहुत अच्छी तरीके से होगा, साथ ही साथ आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मेरा 2 एक्सपीरियंस था, मैं 12:00 PM भी गया और उसके बाद मैं गया 12:00 PM के बाद, दोनों टाइम मैं गया था और दोनों टाइम मुझे लाइन बिल्कुल भी नहीं मिली। रात में तो हम लोग डायरेक्ट जाके गुफा में लगे, वहाँ से दर्शन किया, इस तरह के बुरे जो है लाइन नहीं थे वहाँ पे। तो इस बात का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। वहीं बात करते हैं रोपवे की, तो देखिए रोपवे के लिए अब आपको पता है कि बेसमेंट में जाना है दुर्गा भवन के, वहाँ से ऑफलाइन टिकट मिलेगा, बेहतर ये घर से ही ऑनलाइन बुक करके जाइए, कॉस्टिंग सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंशिएट है नहीं, एक दिन पहले भी आप रोपवे की टिकट कर सकते हैं ऑनलाइन, तो बेहतर यही है। साथ ही साथ अगर बात करें रूम्स और डॉर्मेट्री की, जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में आपसे एक सही और रिलेवेंट जानकारी शेयर की है और उसका फ़ायदा मुझे खुद हुआ है, मैंने आपको बताया है कि टाइम टू टाइम आपको माँ वैष्णो देवी जी का ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना, जहाँ पर रूम डॉर्मेट्री या किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा मिलती है। वहाँ पे होता क्या है, कोई श्रद्धालु अगर नहीं जा रहे और वो कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल करने के बाद वहाँ पर एबिलिटी आ जाती है जिससे आपको बुकिंग मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, रिसेंटली मैं जुलाई में गया था और मैंने वहाँ पर चेक किया, कैंसिलेशन हुआ और मुझे एबिलिटी मिल गई, मैंने वहाँ पर डॉर्मेट्री बुक कर ली भवन पे भी और अर्धकुंवारी पे भी। तो ऐसे में आपको ये चेक करते रहना है अपने यात्रा डेट से जाने से 2-4-10 दिन पहले तक चेक करते रहिए, डेली एक बार वेबसाइट खोल के देख लीजिए, एबिलिटी आ जाए तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो जाएंगे, किस्मत वाले होंगे और आपको रूम डॉर्मेट्री मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो उसके लिए भी आप फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं, जो कि दुर्गा भवन पर है, माता रानी के भवन पर ही स्थित है दुर्गा भवन, वहाँ पर जाके आप रुक सकते हैं। रात के 9-10 बजे के बाद दुर्गा भवन को खोला जाता है श्रद्धालुओं के लिए।
तो ये तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब RFID कार्ड की जानकारी मैंने पिछले कई वीडियो में शेयर की, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा, जो नहीं देखे होंगे उनको नहीं इन्फॉर्मेशन होगा। तो मैं फिर से बता दूं कि RFID कार्ड की टाइमलाइन को बदल दिया गया है। पहले ये जो है 6 घंटे तक वैलिड था, लेकिन अब इसे 12 घंटे की वैलिडेशन प्रोवाइड कर दी गई है। साथ ही साथ आप जो है सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक RFID कार्ड ले सकते हैं, और बिना ID के आपको RFID कार्ड नहीं मिलेगा। ID ज़रूरी है, आपके पास ID होना चाहिए। मैं पता नहीं कितने पुरानी वीडियो से आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि ID लेके जाइए, लेकिन कुछ लोग आपको गलत जानकारी प्रोवाइड करके बोलते हैं ID मत लेके जाइए, और फिर वहाँ जाके आपको परेशानी होता है। तो ID रखिए, ID रखना इम्पोर्टेंट है। किसी भी अदर स्टेट में जा रहे हैं, आपकी ID होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सभी प्रकार की नई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर दी है। आपको घर बैठे दर्शन कराने की भी कोशिश की है। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट के ज़रिए, और साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई प्यारी सी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़ रही है आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज़ फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी है, आजा माता रानी।